अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक मज़ेदार सी यमी सी डिश, मतलब स्वीट। मैं बनाने जा रही हूँ मैदे की बालूशाहियाँ। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल में मैदा चाहिए। मैं 1 1/2 कप, मतलब 1 कप 150 ml आप जो है ये मैदा ले लीजिए। इसमें आप डालेंगे ये मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा है और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर है, इलायची का पाउडर है और थोड़ी सी इलायची के छिलके भी हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। फिर हम इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे और 1/2 चुटकी से जो है ना हम इसमें नमक डालेंगे। 1/3 कप हम इसमें ये घी डालेंगे। हम हाथों की मदद से इस तरह से पहले घी के साथ इसको हम भून लेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा लगेगा। अब देखिए, आप इसको ऐसे हाथ से जोड़ के देखेंगे ना, देखिए मुट्ठी में ये आटा हमारा जो है ये पूरा हो रहा है। तो हम इसमें अब हल्का हल्का सा पानी डाल के इसकी डो लगा लेंगे। और फिर इसको हम इसकी डो हमें चिकनी नहीं लगानी, बस ऐसी हो के बस गूंद के आप छोड़ दें, फिर इसकी जो लेयर है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। देख सकते हैं कि इस तरह से ये डो तैयार हो गई है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसी तरह से ऐसी रख देंगे। इसको चिकना करके नहीं गूंदते हैं ताकि इसकी जो लेयर है वो इसी में आती है। चलिए इसको ढक के रख देते हैं और अपनी चाशनी की तरफ चलते हैं। हमें चाशनी बनाने के लिए 1 1/2 कप चीनी चाहिए। जितनी चीनी होगी उससे कम पानी होगा। 1/2 कप हमें पानी चाहिए और इसमें हल्के हल्के से हम चम्मच चला दे रहे हैं ताकि ये कैरेमल ना बने। हम इसमें नींबू डालेंगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं इसमें जर्दे का रंग डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो नहीं डालें। आप देखिए चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन हमें बिल्कुल इसमें चमचे चलाते रहना है। अगर हमने चमचा चलाना छोड़ दिया तो ये नीचे जम जाएगी और हमें चाशनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी तार वाली चाहिए। हमने लो फ्लेम पे ये जो है चाशनी बनाई है। अब चाशनी को तैयार करने का तरीका ये है कि हमें पता चले कि ये एक तार की है कि नहीं है। एक पहला स्टेप तो ये है कि आप ये देखें, जब ये लास्ट वाला ड्रॉप बहुत हल्के से इसमें गिरेगा ना तो आप समझे आपकी चाशनी तैयार है। दूसरा स्टेप ये है कि आप इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा इसको देखेंगे, ये देखिए ठंडा हो जाएगा तो ये एक तार छोड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि नीम गरम में ही हम जो है वो बालूशाहियाँ डालेंगे। हम अब बालूशाहियों को फ्राई करने का तैयारी करते हैं। स्लैब पे आप इस तरह से देखें ये रख लें बॉल, और इसको हमने चिकना नहीं करना है, बस इसको हमने यूं करके तोड़ना है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हमने इसको तोड़ना है और तोड़ तोड़ के एक के ऊपर एक हमने इसको ऐसे इस तरह से रखते रहना है। हम इसको इस तरह से कर लेंगे, हम इस तरह से तेल की मदद से कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पेड़ा काटेंगे, इतना बड़ा। आप जिस साइज़ की भी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। ये देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी आई है। इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे, कोई शेप नहीं होगी पेड़े की, चिकनी शेप नहीं बनाएंगे। और फिर हम इसके अंदर होल कर देंगे इस तरह से। देखिए आप, मैंने कोई शेप नहीं दी है, कोई चिकना नहीं किया है इसको। इसकी जैसे लेयर थी वैसे ही रहने दी है। ये देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप पेंसिल से बना लें, कटर से बना लें,
मुझे हाथों से बनाना अच्छा लगता है तो मैं हाथों से ही बनाती हूँ। एक और शेप मैं आपको बता रही हूँ उसकी, इस तरह से। अब हम इसको बराबर बराबर कट कर लेंगे ऐसे। वो थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है, ये थोड़ी सी छोटी है। इसको भी हम ऐसे करेंगे और ये देखिए होल कर लेंगे, इसको भी हम। ये ज़्यादा आसानी से बन जाती है। देखते हैं कि तेल कितना गर्म हुआ है। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, हम फ्लेम को बहुत आहिस्ता कर देंगे। और ये देखें इसमें हम डाल के देखेंगे, जब ये बॉल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम अपनी जो बालूशाही है वो इसके अंदर डालेंगे। तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए तेज, और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब ये हम इसमें बालूशाही डाल रहे हैं अपनी, आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने अगर इसको तेज आंच पे फ्राई किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से ये पक जाएंगी इस तरह से। और ये ऐसी मिठाई है कि जो हम बहुत दिनों तक अपने फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, हम जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये मैंने पलट दी थी नीचे से, और देखिए ये फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई, मैंने छोटी छोटी डाली थी जी। अब हम इसको पिंक कलर की कर लेंगे, इसका कलर जितना डार्क होता है उतना ही अच्छा रहता है, और जितनी धीमी आंच पे करेंगे ये अंदर तक से जल्दी से पक जाएगी इस तरह से। अब हम इसको शीरे में डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरह का कलर आया है ये। इसको शीरे में डाल देंगे ऐसे। आप देख सकते हैं इस तरह के कलर की ये फ्राई करनी है हमने। हमने इसको पीछे से भी इसी कलर का फ्राई करना है, ये वाइट हो रही है अभी। और फिर हम इसको नीम गरम चाशनी में डाल देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इस पर ये पिस्ते जो है वो गार्निशिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी जूसी और नरम है, ये सख्त नहीं है। ये देखिए हम, ये देखिए जूस अंदर तक है इसके, शीरा चले। जी हमारी ये मज़ेदार सी बालूशाहियाँ तैयार हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।